चंदन कियारी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। एसडीएम चंदन कियारी प्रखंड के झालबरदा पंचायत के पंचायत भवन में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां शिविर में अबुआ आवास योजना के लाभ से लाभान्वित होने के लिए ग्रामीणों की लंबी कतार दिखाई मिला। कार्यक्रम में मुख्य रूप से चास एसडीएम दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, उप प्रमुख पद्मा देवी, मुखिया बसंती देवी मौजूद रहे। वहीं एसडीएम ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में उपस्थित सभी विभागों के पदाधिकारियों को शिविर में ग्रामीणों की आवेदन लेने एवं नियमित रूप से आवेदनों पर कार्रवाई करने की सख्त निर्देश दिया। मौके पर एसडीएम ने कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों पर प्रतिदिन बोकारो डीसी एवं डीडीसी ने रिव्यू कर रही है। एसडीएम ने ग्रामीणों से स्ट्रोल पर राज्य व केंद्रीय के जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से लाभान्वित होने के लिए आवेदन जमा करने की अपील किया। कहा कि सभी के आवेदनों पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। इस अवसर पर प्रधान सहायक प्रभाकर सिंह चौधरी, पंचायत सेवक, रोजगार सेवक धनंजय मोदी, समिति सदस्य, उपमुखिया आदि मौजूद थे। संवाददाता जावेद अख्तर। कार्यक्रम में निवेदन होगा भाद्री, मैं वीडियो साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। पंचायत में चंदनगिरी प्रखंड में भारी मात्रा में यहाँ के स्थानीय लोगों, पंचायत के लोगों ने आकर इस शिविर को सफल बनाया है। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि भारी मात्रा के अंदर वो आवास योजना के लिए लाभ पाने के लिए लोग यहाँ पे हैं। जो हमारी सरकारी स्कूल की बच्चियाँ हैं वो सावित्रीबाई फुले योजना और साइकिल वितरण योजना के लिए यहाँ पे लंबी कतार में हैं, और कई लोगों को हम लोगों ने लाभ भी दिया है। इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए भी लोग यहाँ मौजूद है, उनको भी लाभ मिला ऑन द स्पॉट। उसके अलावा धोती साड़ी वितरण योजना, चाहे कंबल की योजना हो, उसके अंदर भी हम लोगों ने लोगों को लाभ लिया है। साथ ही साथ में जीएसएलपीएस के माध्यम से जो हम लोग लोन देते हैं महिलाओं को, महिला का सखी मंडल अपना अपना बिजनेस करने के लिए, तो उसको भी हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। तो कुल मिला के हम लोग का ये रोल है कि जो भी माध्यम हो उसके थ्रू हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हमारे चंदनकेरी प्रखंड के जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें अच्छा डेवलपमेंट हो और उस डेवलपमेंट का लाभ सीधे लोगों को मिले। तो इसी कोशिश के साथ हम लोग यहाँ पे लगातार जनता दरबार करा रहे हैं। अभी हाल के अंदर थोड़ा सा समय मेरे को मिला है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे लगभग हर दिन आएँ और यहाँ पे आके देख रहे हैं कि भारी मात्रा में लोग यहाँ आ रहे हैं, और मेरा भी जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर काम भी हो रहा है, और बाकी के जो पहले के शिविर है वो काफ़ी सफल हो रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, मुखिया के लेवल पे आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि उसमें दो चीज़ें हैं। जो भी आज के अंदर मुखिया है, क्योंकि हम लोगों ने पंचायत चुनाव भी कराया है, तो पिछला जो मुखिया रहेगा वो कभी भी आज के मुखिया की तारीफ़ नहीं करेगा, और ना ही आज के मुखिया पहले के मुखिया की तारीफ़ करेगा। तो इसमें जो है थोड़ी बहुत राजनीति भी है, लेकिन मेरा ये कहना है कि देखिए, बहुत सिंपल क्रिस्टल क्लियर है। अगर आपको सरल भाषा में मैं बताऊँ तो एक हम लोगों ने मैट्रिक्स बनाया है। मैट्रिक्स में क्या है, जैसे सावित्रीबाई फुले योजना है, उसके अलावा वो अब आवास योजना, ऐसे करके 15-20 कॉलम हम लोगों ने बनाए हैं, और हर प्रखंड का उसके अंदर रोज का डाटा हम लोग ऐड कर रहे हैं। और हर शाम के अंदर वीसी होती है, मीटिंग होती है, डीसी सर अपने स्तर पर लेते हैं, डीडीसी मैम भी उसको चेयर करती हैं। उसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि भाई आप फलाना व्यक्ति जो है एलिजिबल है तो उसको टिक करो, अगर वो फेक है, फर्जी है, या फिर वो पात्रता नहीं रखता है, मान लीजिए कोई लड़की है वो स्कूल में है ही नहीं लेकिन साइकिल वितरण योजना के लिए अप्लाई कर रही है, तो उनको रिजेक्ट करने का। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं लगातार, और राज्य के अंदर काफ़ी अच्छा बोकारो जिले का प्रदर्शन है। अगर आप लोग स्टेट लेवल पे देखें, अभी मीटिंग स्टेट लेवल पे भी हुई थी 3 दिन पहले, तो उसके अंदर भी बोकारो जिले का प्रदर्शन अच्छा था। और बाकी हम लोग भी ये कोशिश कर रहे हैं, मेरा क्योंकि चंदनकारी प्रखंड का हमको सौंपा गया है बाहर, तो यहाँ पे भारी मात्रा में एप्लीकेशन आ रही है अब आवास योजना की, जिसके अंदर जिला के उपायुक्त को भी मैंने ब्रीफ किया है कि इन लोगों का लिस्टिंग कराना ज़रूरी है, इन लोगों का सॉर्टिंग कराना ज़रूरी है। कल को सरकार जब यहाँ पे पॉलिसी बनाएगी कि भाई इन इन लोगों को प्राथमिकता देनी है, तब हम लोग के पास में एक मिनट की देरी नहीं होनी चाहिए, हम लोग उनका भेज के सैंक्शन करा देना। महिला 3 महीना पहले भी भटक रही थी और आज भी भटक रहे हैं, अपना पेंशन घोषित कर दिया। नहीं नहीं, वो मैंने देखा, उसको मैंने चेक भी किया, उसका पेंशन चालू हो चुका है। हो सकता है कि जानकारी का अभाव हो, लेकिन जब मैं टेबल पे बैठा था तो वो महिला, दो महिला मेरे पास में आई थी, दोनों का हमने चेक किया, दोनों का जो है चालू हो चुका है। कई बार क्या होता है गांव में आपसी रंजिश के अंदर, कहीं किसी को मृत दिखा दिया, एफिडेविट पे साइन कर दिया, उसको मृत घोषित कर दिया। लेकिन मेरा पूरा डायरेक्शन है कि अगर इस तरह के मामले भी आते हैं तो BDO साहब को निर्देश दे दिया गया है कि उसकी भी लिस्टिंग मिसलिनियस में करेंगे।
लाभ तो आपका सरकार आपका योजना आपका योजना सरकार का है। हेमंत सोरेन अच्छा काम कर रहा है। गरीब आदमी तो अगर हेमंत सोरेन आवास तो दिलवा देगा तो हेमंत सोरेन का जोगाजोग रहेगा, पब्लिक उसी का खुश रहेगा और पब्लिक सभी से सभी अनुरोध वही है। आबू आवास के लिए पब्लिक का यही है कहना। हम धलवर्दा पंचायत का हम उपमुखिया है, मेरा परिवार समिति है। हम लोग से अनुरोध है जैसा आवास हर किसान को जिसको नहीं मिला है, जिसका मिट्टी का घर है उसको मिलना चाहिए, उसी में हम खुश होगा। इससे पहले भी शिविर लगी थी, लोग आवेदन जमा किए थे, क्या उस आवेदन का निष्पादन हुआ था? हाँ, आवेदन का निष्पादन पेंशन का हुआ था। पेंशन जितना फॉर्म दिया था हेमंत सोरेन सरकार का जितना फॉर्म है समूचर का काम ओके काम किया है। सभी आदमी को पेंशन मिला है, सभी आदमी को 5 तारीख से 7, 8, 10 तारीख तक नहीं पढ़ाने देता है, पैसा आ जाता है। ये भी जानकारी हम लोग का है, गलत किसी को नहीं बोलेंगे, किसी का गुलाम नहीं है, हम लोग जनता है, सभी को लेकर चलना पड़ता है, सही बात बोलने पड़ता है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है छोटू कुमार मांझी, उपमुखिया हम झलबर्दा पंचायत का है। आज आपके पंचायत वर्ग में सरकार की इतनी बड़ी शिविर लगी हुई है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये तो ठीक है, हम लोग का जो सरकार आपका द्वार बन गया है, थोड़ा स्टोर लगा हुआ है, सारा सरकार का काम चल रहा है। यही हम बात बोली थी कि जो जेन्युइन जिसका नहीं बना है, आवास नहीं बना है, लोग आवास मिल जाए, बाकी जितना नहीं पेंशन मिलने वाला का है उसको पेंशन मिल जाए, बाकी जिसका जनता का सुविधा असुविधा है वो सब हम सरकार से बात करेंगे, बात सरकार से अनुरोध करेंगे कि सबको समुचित से मिल जाए। इससे पहले भी शिविर लगी थी, क्या आवेदन जो लाभुक द्वारा भरा गया था उस